नमस्कार, मैं हूँ स्मिता ठाकरे। आपने सभी ने आज तक मुझे फिल्मों के फंक्शन में देखा होगा या अवार्ड फंक्शन में देखा होगा, फिल्में बनाते हुए देखा होगा, फिल्में देखते हुए देखा होगा। तो जी हाँ, मुझे फिल्में बहुत पसंद है बनाना, देखना। मुझे संगीत बहुत पसंद है, हर तरह का संगीत मैं सुनती आ रही हूँ। और मेरे लिए संगीत एक रिक्रिएशन होता है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। खैर, हर किसी की एक हॉबी होती है और समाज सेवा भी मेरी एक हॉबी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा करना। तो मैंने मुक्ति फाउंडेशन की स्थापना की। आज 20 साल से मैं मुक्ति फाउंडेशन को चला रही हूँ और सिर्फ आप सभी ने मुझे साथ दिया, इसलिए मैं ये नेक काम करती आ रही हूँ। मुक्ति फाउंडेशन के तहत मैंने एड्स अवेयरनेस बहुत साल फैलाया, मैंने ड्रग अवेयरनेस के लिए काम किया, मैंने बहुत सारे बच्चों को रिहैबिलिटेट किया हमारे मुक्ति फाउंडेशन के अंदर, और फिर वुमेन एम्पावरमेंट को हमने हाथ में लिया। मैं ये समझती हूँ कि मैं एक महिला हूँ तो मुझे महिला में कितनी शक्ति है वो मुझे समझती हूँ, मैं जानती हूँ। मेरे आसपास मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हुए मैंने देखी है। तो महिलाओं में मल्टीटास्किंग जो नारी शक्ति होती है वो मौजूद होती है। और हमारे देश में आज जिस तरह महिलाओं ने तरक्की की है, बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी चीज़ों में उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई है और लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ शिक्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में अपना हुनर दिखाएं और अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने पैरों पर खड़े रहें और हमारे देश को भी सुदृढ़ करें। हमने अभी रोड सेफ्टी जैसा भी इशू अपने हाथ में लिया है मुक्ति फाउंडेशन के ज़रिए, जो कि रोज़ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रोड सेफ्टी जो बहुत ज़रूरी है आज के यूथ के लिए। बहुत सारी पार्टियों में जाती है यूथ, मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हर किसी को खुशियां बांटनी चाहिए और हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। पर आप अगर मद्यपान कर रहे हो तो उसके बाद में ड्राइविंग करना बहुत ही बुरी बात है। गाड़ी चलाते समय अगर आप सीट बेल्ट नहीं डाल रहे हो या स्कूटर चलाते समय आप हेलमेट नहीं डाल रहे हो, सिग्नल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, जो मालूम सबको है, पर अवेयरनेस अगर हम करते रहें और लोगों को बताते रहें कि हमारे देश में ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से देखें और सतर्क रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक ऑडिटोरियम आ रहा है जो मैंने बहुत पैशन से बनाया है उसको, और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि उस ऑडिटोरियम के ज़रिए मैं अपने इंडियन कल्चर को, आर्ट और कल्चर को मैं प्रमोट करूं। तो जो भी मेरे साथ अगर जुड़ना चाहता है, ये सभी काम मैं आप सभी के साथ के सिवा मुनासिब नहीं है। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग जनरेशन है, जो भी मेरे मुक्ति फाउंडेशन के साथ अगर जुड़ना चाहता है तो मैं उनका खुले दिल से स्वागत करती हूँ। और चलो मिलके हम लोग हाथ बटाएं और हमारे देश को और सुदृढ़ बनाएं। तो मैं आपके साथ बात करने आ रही हूँ फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम, ये सभी का मैं इस्तेमाल करूँगी और आपके साथ मैं मिलने आऊँगी। तो आप भी मेरा साथ दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।